जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। रविवार रात को आतंकवादियों ने एसपीओ के घर में घुसे और उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया। इस घटना में एसपीओ की बेटी भी घायल हुई है। पुलिस के मुताबिक हमले में अवंतीपुरा के ऑफिसर फैयाज अहमद और उनकी पत्नी की मौत हो गई है, जबकि उनकी बेटी अभी गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज चल रहा है। जम्मू के कुछ ऑफिसरों ने बताया कि रविवार रात 11 बजे आतंकी जबरन उनके घर में घुसे और परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां गहरी चोटों के कारण एसपीओ और उनकी पत्नी राजा बेगम की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी राफिया का इलाज अभी भी चल रहा है। वहीं जम्मू में एयरफोर्स बेस पर हमले के 24 घंटे के भीतर ही आतंकियों ने कश्मीर में इस घटना को अंजाम दिया है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर रविवार सुबह ड्रोन से किए गए दो धमाकों के मामले में शक की सुई सीधे पाकिस्तान आतंकी संगठन की ओर घूम गई है। इसे किसी भी भारतीय सैन्य ठिकाने पर पहला ड्रोन हमला माना जा रहा है। ऐसा इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया।